भारत सरकार के युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार गुरुवार को नेहरू युवा केंद्र में युवा सकारात्मक जीवन शैली एवं फिट इंडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित युवाओं को RCHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, KR सोनी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही युवाओं को फिट इंडिया थीम के बारे में बताया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देश अनुसार नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर द्वारा कार्यालय परिसर में युवा कल्याण सकारात्मक जीवन शैली एवं फिट इंडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रीत मोहिंदर RCO चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बाड़मेर रहे। जिला युवा अधिकारी सचिन पाटोदिया ने आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रतिभागियों को दी। वहीं कार्यक्रम में वक्ता एवं संदर्भ व्यक्ति के रूप में आउटरीच ब्यूरो के KR सोनी ने बताया कि व्यक्तित्व और देश का युवा जब तक स्वच्छ और तंदुरुस्त नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। पूर्व क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी नरेंद्र कुमार तनसुखानी ने कहा कि युवा हमेशा सकारात्मक विचारधारा अपनाए और नकारात्मक विचारों का त्याग करें। संदर्भ व्यक्ति अध्यापिका गीता देवी ने कहा कि हमेशा अभाव में रहते हुए कुछ कर गुजरने की ललक होनी चाहिए। यदि कुछ करने की ललक है तो लगातार लगन और मेहनत के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हर मुश्किल को भी आसान किया जा सकता है। माध्यम कोई भी हो, सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। योजनाएं कोई भी हो, स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लो, फिट इंडिया कार्यक्रम की बात कर लो। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन फिट इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। आज अपन सभी लोग जानते हैं अपने जीवनतम व्यस्तम जीवन जिसके अंदर अपने स्वयं के लिए अपन टाइम नहीं निकाल पाते, इसी की वजह से भारत सरकार ने एक फिट इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। कार्यशाला में डॉक्टर प्रीत मोहिंदर ने कहा कि इंसान ही ऐसा प्राणी है जो अपने मेरु रज्जू पर खड़ा रह जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है, हमें युवावस्था में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पंकज सुथार ने कहा कि अपने आसपास के स्रोत से ही प्रेरणा लेकर कार्य करें। कार्यशाला में 50 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। हमें